back to my channel. So I am so excited for today's video because आज का video होने वाला है Meesho bags haul. And ये इस video के लिए मैं इसलिए excited हूँ because मैंने first time bags purchase किए हैं, वो भी Meesho से. I am a that person who don't carry bags. मतलब मुझे लगता है कि क्यों इतना carry करूँ, मुझे मतलब पसंद ही नहीं, मुझे ताम झाम सा लगता है. बट नहीं, अभी है ना, ये लग रहा है कि इंस्टाग्राम पर जितने भी लोग हैं, जितने भी आजकल मैं जितने भी लोगों को देखती हूँ ना, दे ऑल आर कैरिंग बैग्स, स्लिंग बैग, शोल्डर बैग. तो मैंने सोचा वाई नॉट मी, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ. तो मैंने मीशो, मैंने बहुत सेफ समझा कि मीशो में मुझे और बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, प्लस अफोर्डेबल मिल जाते हैं. तो मैंने इसमें जो ऐड किए हैं वो 6 बैग्स ऐड किए हैं एंड दे ऑल आर इन वेरी गुड क्वालिटी. मतलब जितने मैंने ओपन किए हैं वो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी में लगे. मैंने 7 मंगाए थे बट एक डिलीवरी, एक कैंसिल हो गया है सेलर की तरफ से. तो आई डोंट नो, वो आता था मुझे थोड़ा सा, मतलब वो वाला बैग भी अच्छा था, कोरियन स्टाइल में था. तो अगर वो इन द केस बाद में मुझे प्रोवाइड मिलता है तो मैं उसको बाद में जरूर मंगाऊंगी. इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, हियर आई एम शालिनी एंड आई मेक वीडियोस ऑन फैशन, ब्यूटी, मेकअप एंड लाइफस्टाइल. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, टेक अ मिनट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप आ जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो दिस इज अ फर्स्ट बैग एंड ये है व्हाइट कलर में स्लिंग बैग. यू कैन सी इस पे ऑल ओवर एक पैटर्न बना हुआ है क्रोकोडाइल वाला, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत एलिगेंट लग रहा है ये चीज़. इसका जो पूरा क्वालिटी है 10/10 आई है, मुझे क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी लगी है. इसमें आपको इस तरीके से यहाँ पर एक होल्डिंग के लिए मिल रहा है एंड ये एक सिंगल, मतलब वन कंपार्टमेंट बैग आप इसको बोल सकते हैं. यहाँ अंदर काफ़ी, मतलब इतना छोटू भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है, तो आप इसको इजीली, मतलब इसको देख कैरी कर सकते हैं. यार बहुत प्यारा लगने वाला है, बहुत एलिगेंट लगने वाला है. यहाँ अंदर आपको एक पॉकेट मिल जाती है और अंदर का जो फैब्रिक दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है. मतलब ऐसा नहीं खराब हो जाएगा जल्दी से, बहुत सही, आप इसको बोलते हैं बहुत सही क्वालिटी दी हुई है इसकी. एंड ये प्रॉपर बॉक्स वाली शेप में है, तो मतलब इसकी जो शेप है वो प्रॉपर ऐसे ही रहने वाली है, पिचकने वाला नहीं है, मतलब ये ऐसे ही रहने वाली, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है. इसमें आपको जो ये बेल्ट मिल जाती है, इसकी लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये बहुत प्यारा लगने वाला है. अगर आप एज अ सिंगल या मतलब ऐसे बैग कैरी करेंगे विदाउट बेल्ट तो भी आप इसको कैरी कर सकते हैं. इसमें आपको 9 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं. बट मैंने इसमें व्हाइट लिया है बिकॉज व्हाइट तो बहुत अच्छा लगता है, आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको यूज कर सकते हैं. इसका जो प्राइस था वो है 406 रुपीज. 406 रुपीज में टोटली वर्थ इट, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, आप कोई और करें ना करें. एंड ऑल ओवर दिस इज 10/10 फॉर मी. सो दिस इज द नेक्स्ट बैग एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस, बिकॉज ये इतना ज्यादा क्यूट है, इतना ज्यादा क्यूट है. इट्स ए मिनी बैग, बहुत प्यारा है, बहुत छोटू सा, बहुत सुंदर सा है. यहाँ पर आप फ्रंट में देखिए, ये पूरा जो इसका कलर है वो सी ग्रीन काइंड ऑफ इसका कलर दिया हुआ है, मेरे बैकग्राउंड से प्रॉपर मैच कर रहा है. इसमें आप देखेंगे सेम आपको क्रोकोडाइल वाला पैटर्न मिल जाता है एंड यहाँ पर जो पर्ल वाली डिटेलिंग दी हुई है ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि निकलने वाला नहीं है, ये बहुत सही है एंड इसमें बहुत अच्छे टाइम तक चल जाएगा, ड्यूरेबिलिटी मुझे लग रही है इसकी. यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट में आपको ये अनलॉकिंग वाला सिस्टम मिल रहा है, जो आप ऐसे करके ओपन कर सकते हैं. ये मतलब इसमें आपको कुछ सामान तो नहीं आएगा, इसमें छोटा मोटा लिपस्टिक वगैरह जरूर आ जाएगी इसमें आपको, उसका सामान नहीं आने वाला. बट ये इसका जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे. इसमें आपको चेन जरूर मिल रही है, आप इसको चेन के साथ एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हैं. या मैंने इसको देखी नहीं थी. इसमें एक और कलर ऑप्शन है व्हाइट, मैंने इसमें ग्रीन पिक किया है बिकॉज मैंने व्हाइट एक ऑलरेडी ले लिया था तो इसीलिए. एंड ये बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है. इसका जो मटेरियल ये जो दिया हुआ है ना वो ये प्लास्टिक थोड़ा रबड़ वाला जो होता है ना वो वाला है, खराब नहीं होगा इजीली एंड ये बहुत अच्छा लगने वाला. आप किसी भी एथनिक और वेस्टर्न आप दोनों के आउटफिट के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा ये. इसका जो प्राइस है वो है 252 रुपीज. 252 रुपीज में इसे गुड डील, आप इसको ट्राई कर सकते हैं. इसमें कलर ऑप्शन भी है तो आप वो भी देख सकते हैं. सो ये दो बैग्स ही मैंने अभी तक ओपन किए थे, तो अब वो ओपन करते हैं जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किए हैं. मतलब इनका अभी तक सिर्फ उनको पैकिंग में से निकाला है. सो दिस इज द नेक्स्ट बैग एंड ये है ब्लैक कलर में. इस टाइप के जो बैग्स होते हैं ना बहुत ज्यादा, मैंने थोड़ा देखा है कि ब्रांडेड जो बैग्स होते हैं लग्जरी वाले उस तरीके में आता है, आई थिंक डीजल या कुछ ऐसा करके आता है. सॉरी मुझे नहीं पता है, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इसका, बट मैंने देखा जरूर है ये. मैं इसको जस्ट ओपन कर लेती हूँ फटाफट से. मैंने इसको ओपन ही नहीं किया, बस मैंने इसको खोल के देखा था बिकॉज आजकल मीशो पता नहीं क्या ही कर रहा है, इसको कुछ और मंगाते हैं हम लोग और कुछ और ही भेज देता है. एंड इसमें भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. तो ये ओ माय गॉड, दिस इज सो क्यूट, बहुत अच्छा लग रहा है ये छोटू सा. ये इसका शेप देखेंगे, थोड़ा कर्व वाला शेप दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा. आपको ब्लैक के साथ ब्लैक दिख भी नहीं रहा है, आप इसको देखिए. बट इसमें से स्मेल इतनी अजीब सी क्यों आ रही है पता ही नहीं.
ये एक छोटू सा शोल्डर बैग आपको बोल सकते हैं, शोल्डर या इट्स अ शोल्डर काइंड ऑफ बैग, बहुत सुंदर अच्छा है। इसका अंदर से बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको इसमें भी सेम थोड़ा सा क्रोकोडाइल वाला पैटर्न बना हुआ है, बहुत अच्छा था। एंड इसमें मैंने देखे थे इसमें तीन साइजेस मिल जाएंगे आपको, एक ये साइज है मैंने बस बड़ा ले लिया है, एक छोटा है इसमें सेम में, और एक प्लेन मिलेगा सेम डिजाइन में। सो इसमें आपको यहाँ पर एक चीज ये डिटेलिंग मिल रही है यहाँ पर, एंड ये आप ओपन करेंगे दो टिक टैक बटन मिल जाता है यहाँ पर। ओके या इसमें ये वाला बेल्ट वाला दिया हुआ, फैब्रिक वाला बेल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आजकल ये बहुत चल रहे हैं फैब्रिक वाले बेल्ट, बहुत सारा वेस्ट। सीरियसली ये बैग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगने वाला है ये। अंदर भी आपको एक मतलब चेन मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, और इस अंदर का फैब्रिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी में, मतलब इसका फैब्रिक जो दिया हुआ है यू कैन सी बहुत अच्छी क्वालिटी में, छोटा मोटा सामान इसमें आ ही जाएगा आपका, बाकी इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपको इतना बड़ा भी नहीं चाहिए तो आप इसमें एक छोटा वाला बैग भी कैरी कर सकते हैं, इसमें एक और छोटा है, सेम में ही आपको छोटा ऑप्शन मिल जाएगा तो वो भी देख सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। इसका जो प्राइस मैंने पे किया है वो है 406 रुपीज़। आई थिंक दिस इज अ बेस्ट 400 रुपीज़ में, आपको क्या ही चाहिए, मतलब इतना अच्छा बैग मिल रहा है, एंड एटलीस्ट को ट्राई कर सकते हैं। मैं सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। या आई रियली लाइक दिस, ओह माय गॉड। सो दिस इज अ नेक्स्ट बैग, एंड ये मैंने मंगवाया है पीच कलर में। आई थिंक दिस इसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब मैंने इसको शायद 200 के अंदर में ही लिया है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा सा है, पीच कलर में मैंने इसको लिया है, बहुत पीशियस सा है इसका जो मतलब बहुत, आप इसको बोलेंगे 200 पीस में सही अच्छी क्वालिटी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट में देखेंगे यहाँ पर आपको ये पर्ल वाली डिटेलिंग मिल रही है, और एक चेन वाला पैटर्न मिल रहा है, ये बहुत अच्छा सा लग रहा है। यहाँ से जो क्वालिटी है वो आप उसको बोल सकते हैं 8/10 है, बट दिस इज वेरी स्पेशियस, आपको उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, मतलब इसमें तो सारी चीज़ें भर रखी है। मुझे लग रहा है ना सारा सब कुछ इसमें भर दिया, या आप इसमें देखेंगे अंदर यहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल रहा है, क्वालिटी में नहीं है। एक पॉकेट भी मिल रही है आपको अंदर एक चेन के साथ, यहाँ चेन में मिल रही है। 200 रुपीज़ के लिए ये वर्थ इट है, मैं आपसे बोल सकती हूँ। ये स्लिंग बैग है छोटू सा, एंड काफ़ी स्पेशियस भी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड इसमें कलर ऑप्शंस भी आपको 6 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें आपको, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पीच नहीं चाहिए तो कोई और कलर भी देख सकते हैं। मैंने इसमें इसलिए ये वाला पिक किया है बिकॉज मेरे पास पीच कुछ था भी नहीं, और मेरी मम्मी को भी ये वाला पसंद आ रहा था, तो मैंने ये वाला कलर लिया इसमें। एंड इसमें भी आपको मतलब एडजस्टेबल बेल्ट मिल रही है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड इस इज द नेक्स्ट बैग, मैंने ब्लैक कलर में बैग मंगवाया था, बट ये वाला जो मैं इसका फोटो एड कर दूंगी, ये वाला बैग मंगवाया था, एंड आई हैव रिसीव्ड दिस। ये बहुत ही मतलब ऐसे बेसिक सा बैग है, मुझे अच्छा नहीं लगा, पाउच जैसा कुछ है स्लिंग बैग्स में, बट मुझे वो वाला चाहिए था बिकॉज का फिनिश बहुत प्यारा लग रहा था, एंड वो बहुत अच्छा लग रहा था, एंड दे हैव सेंड मी दिस। इस पर एक छोटू सा आप देखेंगे पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा सा क्रिस क्रॉस जैसा कुछ, PU लेदर मिल जाता है इसमें आपको, एंड ये काफ़ी स्पेशियस मतलब ठीक है, इसमें स्पेस भी मिल रहा है अंदर आपको, काफ़ी छोटा सा ही है देखेंगे, बट वो जो बैग था उसका प्राइस था 359 रुपीज़ में, तो ये वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी, ये जस्ट इज द पाउच पाउच काइंड ऑफ है बिल्कुल, ये तो मुझे इतना अच्छा था नहीं लगा, मुझे वही चाहिए था, बट अगर पता नहीं अब इसके रिटर्न करने के लिए मुझे मतलब कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, देन ये रिटर्न होगा। ये जो बैग है आप इसको डेली वेयर में आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, वैसे इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर मुझे इसका लिंक मतलब इसका जो कोड है मिल जाता है तो मैं इसमें नीचे ऐड कर दूंगी, अगर आप इसको मंगवाना चाहें या इसको मतलब देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ऑल ओवर क्वालिटी अच्छी है इसकी, बाकी वैसे इसमें बेल्ट वेल्ट का भी अच्छा बटन दिया हुआ है, बेल्ट में पूरा अच्छे से स्टिचिंग दिया हुआ है यू कैन सी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन, एंड मैं वो ब्लैक वाले का भी लिंक नीचे दे दूंगी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट बैग, एंड ये वाला है ना मैंने ओपन करके देखा, ये बॉक्स में ही आया था, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी इसकी, मतलब सेफली आया था ये। एंड ये वाला बैग मैंने बहुत बहुत लोगों को देखा है मतलब कैरी किए हुए, एंड दिस इज द बैग, इट्स अ पर्ल बैग, बहुत क्यूट सा है, बहुत अच्छा सा लगता है ये,
इस पे आपको पूरी पर्ल वाली मतलब पूरा पर्ल का बैग है, तो आप इसको एथनिक के साथ ही कैरी कर सकते हैं, ज्यादा वो एथनिक के साथ ही जाएगा ये। इसमें आपको एक ही कंपार्टमेंट मिल रहा है, बट ये चीज में टिकटेक वाला बटन दिया है वो थोड़ा आपको सेफली और बहुत आराम से ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज इट जस्ट वो बहुत इजीली निकल भी सकता है। हाँ तो ये आप देखेंगे इसमें आपको मतलब इट्स ये आपको सामान वगैरह कैरी करने के लिए तो नहीं है, ये इट्स जस्ट फोटोजेनिक वाला जो बैग होता है वही है ये। आप इसको मतलब ऐसे सामान कैरी करके नहीं रख सकता है, इसमें स्पेस अगर स्पेस भी नहीं है आप इसमें कैरी करेंगे, बहुत फूसा बैग है, इसमें थोड़ा सा ही स्पेस भी नहीं है। एंड इसका जो प्राइस मैंने पे किया है वो है 500 रुपीज़, ये तो आपको काफ़ी फिर भी बड़ा मिल रहा है, इसमें और भी छोटे ऑप्शन हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं वो भी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत मेहनत भी लगी होगी बिल्कुल सीरियसली, बट ये है कि अगर आप इसको फंक्शनली ही कैरी कर सकते हैं आप इसको, तो इसलिए इट्स अ आई थिंक ये मेरे लिए तो नहीं है, बिकॉज मैं अभी तो कहीं नहीं जा रही हूँ फंक्शन में, तो इसके लिए मेरे लिए तो नहीं है। बाकी इफ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो गिव इट अ बिग लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी की रिप्लाई जरूर करूंगी। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बाय एवरीवन।